अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस लाहुद्दीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से मैसेंजर ऐप से अपने अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिना ऐप को अनइंस्टॉल किए और उसका डाटा क्लियर किए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं ना कि जब भी वो मैसेंजर से अपना अकाउंट रिमूव करना चाहते हैं तो या तो वो मैसेंजर की ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं और या फिर वो मैसेंजर ऐप का डाटा क्लियर कर देते हैं। तो इससे आपका अकाउंट रिमूव तो हो जाते हैं बट आपने जितनी भी अपडेट्स इंस्टॉल की होती है ना उस ऐप की, वो भी साथ में रिमूव हो जाती हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन भी है, उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अकाउंट्स का। अब मेरे केस में क्लाउड एंड अकाउंट्स का ऑप्शन है, हो सकता है आपके केस में डिफरेंट हो, बट अकाउंट्स का ऑप्शन सभी फ़ोन में होता है। तो आपने जाना है अकाउंट्स में और यहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट्स हैं ना वो सब आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो जिस ऐप से भी आप अपना अकाउंट रिमूव करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकें। तो अभी तो हम मैसेंजर की ऐप से अपना अकाउंट रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने इस ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिमूव अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपने रिमूव अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपकी जो मैसेंजर ऐप है उससे आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप यहां से व्हाट्सएप से भी अपना अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, यहां पर भी आपको रिमूव अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि ना तो आपको ऐप अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी और ना ही आपको उसका डाटा क्लियर करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से अकाउंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग इस तरह की टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।